गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन थर्ड के दो तीन पार्ट्स बताए थे। आज मैं आपको एक और दो पार्ट्स और बताऊंगी, एक पार्ट सेवेंथ पार्ट, ठीक है, जो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए क्या है इसके अंदर। गिवन ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी। देखो ए कितना है, 8 है, ए एन कितना है, 62। ना तो इसमें आपको डी पता है ना एन पता है, ठीक है, दोनों निकालने हैं। तो आप एक ए एन के फॉर्मूले से एन और डी में एक इक्वेशन निकालोगे और वो एस एन में एन और डी की जगह पुट कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लिख लिया। देखो ए एन की वैल्यू 62, ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इधर आके माइनस हो गया। इस पूरे की वैल्यू एन माइनस वन डी, डी भी इधर ही रहने दो, कितनी आ गई 54। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्यों नहीं यहाँ पर चेंज करी वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी एन माइनस वन डी है, यहाँ भी एन माइनस वन इंटू डी है, इसलिए पूरी वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। एस एन की वैल्यू 210, एन एज इट इज रहेगा, टू इंटू ए की वैल्यू 8, 16 दैट इज, और इसकी जगह मैंने कितना रख दिया 54, दोनों को ऐड किया 70। इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये टू यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये 70 अब 4420 को डिवाइड करेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इनकी वैल्यू आ गई 6। अभी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एन की जगह पे कितना रखोगे 6 माइनस 1 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन 5। अब बाकी के पार्ट्स जो हैं आप खुद करोगे, दो तीन पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स क्या मतलब है, एन निकालना है। एपी आपको दी है, इसमें से आपको ए निकल जाएगा, आपका डी निकल जाएगा, और एस एन ऑलरेडी दिया हुआ है 636। तो क्या करोगे आप, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 17 माइनस 9, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, दैट इज 8। एस एन की वैल्यू 636 दी है आपको, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, एन की जगह एन ही रहने दोगे, ए की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, डी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो गया 18, और ये हो गया, इसको ब्रैकेट को खोल दोगे 8n माइनस 8, ठीक, n और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1270 इक्वल टू n 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 में से 8 किया 10 प्लस 8n। अब इस n को ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक बना दोगे, 10n की मल्टीप्लाई 10 से 10n और n की मल्टीप्लाई 8n से 8n स्क्वायर। अब ये टर्म इस साइड ले जाओगे तो माइनस में जाएगी, बाकी दोनों प्लस में इक्वल टू 0। अब देखो 2 कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, 2 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई। देखो ये बन गई अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग अप मेथड से करो, या फिर जो चैप्टर 4th में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है उससे करो। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू माइनस 636, मैंने डी वाले फॉर्मूले में रखा तो डी आ गया मेरा 10201। अब अल्फा और बीटा है, तो आप तो यहाँ पर एन ही लिखोगे, क्योंकि आपको एन की दो वैल्यू निकालनी थी, यानी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए माइनस बी 5, और 10201 का आप डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8th में 9th में पढ़े हैं उनसे आप इनका रूट निकालोगे, तो उसका रूट आएगा 101, ठीक है। 101 में से 5 माइनस करेंगे, 96 अपॉन 8, 8 की कटिंग होगी, दैट इज 12। हमेशा जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव रह जाएंगी। दूसरी भी निकाल के दिखा दी हमने, पर ये नेगेटिव आ रही है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म मतलब ए, लास्ट टर्म मतलब ए एन 45, सम 400, फाइंड एन एंड डी कॉमन डिफरेंस। सेम है क्वेश्चन, ए 5, ए एन 45, एस 400, एन और डी निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले एस एन क्यों लगाया, क्योंकि देखो एस एन में फॉर्मूला होता है छोटे वाला, एन बाय टू ए प्लस ए एन, वहां पर आपको ए और ए एन की वैल्यू पता है, आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। ये 400 रखा, एन को एन की जगह रखा, 5 प्लस 45, ये दोनों वैल्यू पता थी, 50 बन गया।
अब ये 2 पहले जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 800 बन गया, अब ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, तो इनकी वैल्यू आ गई 16। इसलिए हमने पहले एस एन का फॉर्मूला लगाया था। अब ए एन का फॉर्मूला लगा करके आप डी निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए बी। ये भी सिंपल है, फर्स्ट मतलब ए, लास्ट टर्म मतलब ए एन, दोनों दिए हैं। कॉमन डिफरेंस 9 दिया है, एन निकालना है और सम निकालना है, इसमें उल्टा है। ठीक है, सेम है क्वेश्चन। पहले आपने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, यहां से आपने क्या निकाल लिया, एन। एन 38 आ गया, फिर एस एन का फॉर्मूला लगा करके उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका एस एन आ गया। बाकी के 7th 8th 9th क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है,